हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत की रॉयल इनफील्ड का फैन पाक जर्नलिस्ट, भारत की रॉयल इनफील्ड का फैन पाकिस्तानी पत्रकार। वाह, चलो देखें। मेरे ख्याल से वही होगा जो जिसकी हमने एक या दो वीडियोस आपने दिखाई थी, जो मेरे ख्याल से ये क्रिकेट को कवर करने पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनका होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोज उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि क्रिकेट जो हो रहा है, मैचेस जो हो रहे हैं, वो अलग अलग जगह पे इंडिया के हर कोने में हो रहे हैं ना, तो इनको भी मौका मिल रहा है कि ये नहीं कि एक ही जगह पे अपने सारे मैचेस करके देख के करके कवर करके चले जाएं, कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं और हर डिफरेंट पार्ट में जाके उनको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पाकिस्तान में नहीं है और वो हैरान हो रहे हैं। हमने उनका इनका वो देखा था कि कितने हैरान हो रहे हैं UPI सिस्टम देख के, कि हर जगह छोटी छोटी दुकानों में पटरी, मतलब जो रेहड़ियाँ भी होती हैं उनके भी पास जो है वो कोड है और आप सीधे बिना पैसों के फ़ोनों से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो। तो अब देखा, अब मेरे को लग रहा है इनको हमारी बाइकों से भी देख के हैरानी हो रही है, कितनी बढ़िया बाइक है और इतनी सस्ती। तो चलो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो वर्ल्ड कप को कवर करने आए हैं, अब्बास शब्बीर। और उनका एक वीडियो मैंने दिखाया था आपको, कितना उनका UPI वाला अच्छा लगा, UPI का देखकर, डिजिटल इंडिया को देखकर। तो अब वो पहुंचे हैं कोलकाता, और कोलकाता में वो गए हैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में, और देखकर तो उनके आप समझ ही सकते हैं कि एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बाइक मोपेड लगती है, हमारे जमाने में मोपेड होती थी, क्या लगता है, मोपेड मोपेड बोलते थे। हाँ, ट्रेनिंग फॉर कोलकाता, ICC वर्ल्ड कप 2023 का जर्नी हमारा जारी है, लेकिन साथ साथ हम जहां जहां फिर रहे हैं हम सोच रहे हैं कि कोई साइड स्टोरीज, कोई अच्छी चीज, कोई यूनिक चीज हमें मिले। हम गुजर रहे थे, अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स, हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के हैं, बहुत सारे CC मोटरसाइकिल हैं। मेरे लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी, क्योंकि कलकत्ता में हमने देखा कि सड़कों के ऊपर ये बाइक्स इस तरह के हमें नज़र आए, तो मैंने अचानक ही जब ये शोरूम देखा तो आई ट्राइड, और मैंने इनसे बात की कि आप, मैं इसका वीडियो शूट करना चाहता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमारी इस जर्नी के अंदर हमने क्या क्या देखा और क्या क्या विजिट किया। तो इन्होंने हमें इजाज़त दी, और थैंक यू वेरी मच इस शोरूम के जो मैनेजर हैं, जहाँ पर लोग हैं, कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये वीडियो शूट करें। सबसे पहले मैं इस बाइक के ऊपर आता हूँ, ये भाई हैं, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवाना है उसके बाद। जी, मेरा नाम ऑर्गो मजुमदार है, मैं यहाँ पे स्टोर मैनेजर हूँ, ये शाह डिस्ट्रीब्यूटर से कोलकाता में रॉयल इनफील्ड का ऑथोराइज डीलरशिप। तो आप कोई कुछ भी जानकारी चाहिए मैं आपको मॉडल वाइज सब कुछ बता दूंगा। ये फर्स्ट बाइक जी, ये रॉयल इनफील्ड का एक ऑफरोडिंग, ऑन रोड या ऑफरोडिंग मोटरसाइकिल है, हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट। तो ये हिमालयन 411 CC का है, ये ऑलमोस्ट 25 BHP का पावर आउटपुट देता है, उसकी मैचिंग हेलमेट भी वहां पड़ी है। इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता में अराउंड 2.7 लाख का आ जाता है, 2.7 लाख का। लेकिन आप जैसे ही नॉर्थ बंगाल या फिर नॉर्दर्न साइड इंडिया में भी चले जाइएगा, जहाँ पे हिल्स वगैरह ज्यादा होता है, उस तरफ बहुत डिमांड होता है। मतलब आप रेंट्स का भी बाइक देखने जाइएगा ना, उसमें आपको ये सबसे ज्यादा मिलेगा। मैक्सिमम लोड 7 kg। ये आपका जो आप बॉक्स कैरी करते हैं ना, हम लोग जो टॉप बॉक्स कहते हैं, ठीक है, लोड कर सकते हैं। साइड में आप 25 किलो ईच साइड आप पेनियर बॉक्सेस कैरी कर सकते हैं। 25 किलो ईच साइड, 411 cc जी। अब ये बाइक है, ये 350 cc है, हैवी भी जा सकता है, ये ज्यादा हैवी लग रही है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूं, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इसकी क्या क्वालिटी है। अभी ये रॉयल इनफील्ड का इस तरफ, जी जी इस तरफ से है, कि जरा थोड़ा सा अच्छा ब्रीफ करेंगे तो जरा अच्छा इसको प्रेजेंट किया जाएगा। रॉयल इनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड
कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, क्योंकि कोई कोई सोचता है ना बिग बाइक्स में थोड़ा चलाना में प्रॉब्लम हो सकता है। इंजन ऑलमोस्ट 21 BHP का पावर आउटपुट है और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड इसका प्राइसिंग चालू हो जाता है। मुझे तो ये महंगी लग रही थी। इसका ऑन रोड है 1.98 लाख 350cc का, तो ये बहुत ही कम है क्योंकि ये माउंटेन वाली नहीं है। नॉर्मली क्या होता है जो सिटी कम्यूटिंग जो लोग करते हैं, जिन लोगों को डेली बाइक चलाना होता है थोड़ा कम्यूटर सेगमेंट 100cc 125cc, लेकिन उसी टाइप में आपको 350cc का रॉयल एनफील्ड मिल जाएगा। ये देखिए जी, बिल्कुल इन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई है इस बाइक की। आप सोचिए वैसे ओरिजिनली जो है वो ब्रिटिश कंपनी थी और इनकी जो बाइक्स थी वो जब ब्रिटिश आर्मी थी हमारे यहाँ तो वहाँ पर एनफील्ड की रॉयल एनफील्ड की बाइक्स यूज़ की जाती थी। बाद में जब ब्रिटिश वापस चले गए और बाद में लगा कि नहीं, तो फिर ये कंपनी बंद होने के कगार पर पहुँच गई थी, लेकिन फिर दोबारा इंडिया ने इसे खरीद लिया ब्रिटेन से। इंडिया ने अभी सब कुछ खरीद लेंगे, ब्रिटेन को भी खरीद लेंगे। अब ये टोटली उस जमाने में रखी हुई थी कि हम बनाएंगे, इंडियन कंपनी है रॉयल एनफील्ड और इसकी धूम पूरी दुनिया में। तो 1955 से ये मेड इन इंडिया और इंडियन कंपनी के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। और आज सोच लीजिए कि कितने साल हो गए, तो 45 इयर्स आप उधर ले लीजिए और 23 इयर्स आप इधर लीजिए, 68 इयर्स हो चुके हैं। और हम सब इंडियंस रॉयल इनफील्ड बुलेट के लिए या इनकी बाइक्स के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं आज से नहीं। मुझे याद है कि मेरे मामा जी के पास आई थिंक बहुत पहले, जब मैं शायद 5 या 6 साल का रहूंगा, यानी कि 35 इयर्स बैक, तो उनके पास लाल कलर की होती थी और उस बुलेट में 350cc थी वो भी, और उस बुलेट को स्टार्ट करना मतलब अच्छे अच्छों के लिए पसीने छूट जाते थे, क्योंकि बुलेट ऐसा नहीं है कि मुझे तो पता, मेरे भाई को बड़ा शौक था पर मैंने मना किया था, कोई बाइक नहीं सेफ्टी की वजह से, उसका बेचारे का कैंसिल हो गया था, फिर वो नहीं लगा दी जो किक होती थी वो मारनी होती, और उसके लिए फिर हैवी वेट चाहिए होता था कि भाई जब उसका पांव किक पे पड़े, मैं तो पूरी चढ़ भी जाता तो भी नहीं नीचे जाएगी, वैसे मॉपेड नहीं स्टार्ट होता था। बुलेट का फैन रहा हूं, मम्मी के पास मॉपेड होता था, आज बुलेट मैंने चलाया। देखिए जी, अब ये एक और बाइक है, ये इसका कलर आप देखें, बड़ा यूनिक सा कलर है, इसकी सीट्स देखें, ये इधर है, सारे कलर्स ना वो मिलिट्री टाइप लुक के हैं। क्या इसकी फिनिशिंग है इस बाइक की आप देखें, डिफरेंट है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे कलर, आउटस्टैंडिंग। इसके लिए एक अलग स्टोरी है एक्चुअली, जब 1950s में पहला रॉयल एनफील्ड इंडिया में आया था तो पहले इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया था, वैसे कह रहे ना आर्मी की लुक्स के लिए यूज करने के लिए, तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने, अभी भी इंडियन आर्मी में जितना मोटरसाइकिल चलता है सब रॉयल एनफील्ड का होता है, तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये एडिशन क्लासिक 350 में बनाया गया, इसको सिग्नल एडिशन कहते हैं। ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके, अब कलर से भी समझ में आ रहा है आपको कि ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके, तो मैं कह रही थी देखते हैं कलर्स बहुत ही डिफरेंट है, स्टेंसिल नंबर्स है ना, ये यूनिक रहता है हर गाड़ी में, ये अच्छा ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसका, नहीं ये जस्ट एक सीरियल नंबर है, टैग में हर गाड़ी का अलग होगा, इसमें कुछ आपको मतलब ऐसा नहीं है कि दो गाड़ी का स्टाइल के लिए किया है, यूनिक नंबर्स होता है, ये भी 100 350 है, ये उनको ये बड़ी पसंददारी करी है, दिखाओ ये देखो कलर कॉन्ट्रास्ट रेड कलर, फिर मैं हेलमेट्स भी आपको दिखाऊंगा, ये इसका जरा थोड़ा सा बताएं जी, ये जो हमने वो वाला गाड़ी देखा 1.98 लाख जो ऑन रोड मैंने बोला 100 350 उसके टॉप वेरिएंट है, इसका 2.03 लाख आ जाता है ऑन रोड, बाकी 350cc है, सेम कोई टेक्निकल डिफरेंसेस है नहीं, खाली कलर कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा प्राइसिंग चेंज, थोड़ा प्राइसिंग चेंज। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये बाइक्स हमारे यहाँ इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं, इतनी ज्यादा कि अगर मैं अभी रॉयल एनफील्ड खरीदना चाहूँ तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 6 से 8 महीने की वेटिंग, मतलब अगर आज मैं बुक कराता हूँ तो मुझे बाइक डिलीवर होगी 6 से 8 महीने बाद, तो सोचिए कितनी एडवांस बुकिंग में है इतनी डिमांड कि 8 महीने, 6 से 8 महीने की बुकिंग ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड के पास है। बाइक तो सबको चाहिए होती है, हर लड़के को करनी चाहिए कैपेसिटी, देन इतनी वेटिंग है, बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट है कि हम मेड इन इंडिया चीजें चला रहे हैं बाइक्स को। और ये बाइक मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है, विदेशों में लोग इसको मतलब यूएसए में तो नहीं है, बहुत पसंद कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हेलमेट देखें जी, कितने खूबसूरत हेलमेट है, मैचिंग है हर बाइक के साथ, रॉयल एनफील्ड के हेलमेट्स हैं, लेदर कोटेड हेलमेट्स हैं, इतनी ज्यादा प्राइस भी नहीं है लेकिन क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है,
आप ये देखिए बहुत आउटस्टैंडिंग कलर्स और क्या कंट्रास्ट है। हेलमेट्स आपका ऑफरोडिंग पर्पस के लिए अगर कोई अब यूज करते हैं, जैसे हिमालयन मैंने बताया तो उसमें ये हेलमेट्स बहुत काम करता है, क्योंकि इसमें शेड रहता है जो सनलाइट को ब्लॉक करता है और इसका ये ब्रीदिंग पोर्शन भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं पूरा फिल्टरिंग क्या हुआ रहता है, आपको समझ में आएगा। सही है, बिल्कुल को डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अगर चला रहे हैं तो आपको डस्ट इंटेक नहीं होगा, पूरा क्लीन ब्रीदिंग होगा इसके लिए। बहुत जबरदस्त जी, आप आगे जाते हैं और एंड में इधर करूंगा जो आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। पहले इधर मैं ये वाला बाइक इधर से आए जी, ये बाइक बहुत जबरदस्त शोरूम है, ये देखें जी, ये पार्ट्स खुले हुए हैं, इस बाइक को तैयार किया जाता है। अरे वाह, दिस इज नाइस, ये आप ये मुझे पसंद आया, लूज आता है और आप इसको तैयार करते हैं फिर। हां अभी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, सही, पूरे असेंबल होके हम लोग वो पूरे असेंबल होके आते हैं, यहां थोड़ा कोई करते हैं, एक विंटेज लुक देने के लिए इसको ऐसे रखा गया है। कितना अच्छा लगा, 535 सीसी कॉन्टिनेंटल जीटी था, ये अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल, आईडिया अच्छा है, लेकिन विंटेज लुक के वजह से इसको रखा गया है। और ये बहुत खूबसूरत कलर है, ये बुलेट 350 है, एक्चुअली इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, इंडिया में मैक्सिमम रॉयल इनफील्ड को बुलेट के नाम से हर कोई पहचानता है कि बुलेट मोटरसाइकिल है। तो ये मॉडल फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1932 में, ये सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मॉडल है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, ये थोड़ा फिर से रिबॉर्न हुआ है, थोड़ा नया इंजिन चेंज किया गया। ये बुलेट 350 सीसी इंजन है, सेम पावर आउटपुट है, 21 बीएचपी, कितने की है, थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज किया है, ये थोड़ा वो होता है ना मॉडर्न मोटू गाड़ी, मतलब जो एक विंटेज लुक भी है, मैं तो ऊपर ही ना चढ़ पाऊं, मॉडर्न एक फीलिंग भी आएगा, मोटू है। इधर आए जी, बताया नहीं कितने की है इस बाइक की तरफ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। अभी ये सबसे ये इसके आगे शील्ड भी लगी हुई है, 650 सीसी, पीछे बैक भी है इसका, 57 bhp पावर आउटपुट है, 52 nm का टॉर्क आउटपुट है इसमें, बहुत ही पावरफुल है, ये प्रॉपरली एक क्रूजर है, इसको सुपर मीटियोर कहते हैं, मीटियोर 650 सीसी सुपर, इसका पावर बहुत ही बेहतरीन है, 170-180 किलोमीटर पर आवर इजिली आ जाता है इसमें, इसमें आप स्पीड है 200 जी, टॉप 200 तक जाएगा। और इसमें आप मीटर कंसोल में अगर देखेंगे, इसमें एक एडिशनल मीटर कंसोल भी आ जाता है जिसको ट्रिपल नेविगेटर कहते हैं, ये गूगल के साथ बिल्डअप किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, आप मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपको मैप लगाने के लिए फोन अलग से रखने की जरूरत नहीं, उसमें ही आपका डायरेक्शन शो करेगा, गाड़ियों के अंदर जो लेटेस्ट कार्स है उसमें खुद ही नेविगेशन आ जाता है उसके साथ। यार ये लास्ट में तो बड़े ही कमाल का था कि आपको कनेक्ट कर लो अपने फोन को और आपको स्क्रीन यहीं पे बना हुआ है, यहीं पे आपको सब दिखता जाएगा और चला लो एक से पढ़कर एक, एंड विद न्यू टेक्नोलॉजी, और इतनी पुरानी भी अभी तक, जो उनके फर्स्ट मॉडल्स जो थे वो भी अभी तक बह रहे हैं, फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन, और इतनी पॉपुलर है, सुन के हैरानी हुई कि 6-6, 8-8 महीने लगते हैं। देखिए बेस्ट पॉइंट ये है कि रिलायबल गाड़ियां हैं, एक तो हैवी होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, जैसे कह रहे हैं किक जो होती है काफी दम लगता था, मुझे पता नहीं अभी चेंज हुआ है सिस्टम नहीं, अब तो सीधा प्रेस करना, अब तो बटन वाले भी होंगे, बटन वाले से ऑन होना चाहिए वो, ठीक है। पूरे मोहल्ले में जब एनफील्ड आती थी ढक 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 आते, सबके घरों में ढक 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 रही, कौन बाइक चला रहा है यार, इतना होता था सुबह सुबह जो है नीचे, अगर आप रहते हैं मतलब अपार्टमेंट्स में या फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में रहते हैं तो नीचे जब भी कोई एनफील्ड निकालता है और ऑन करता है, ढकढक सबको घर में आवाज आएगी, इतनी तेज होती थी उसकी आवाज, घट 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 घट, उसके बाद जाके जाता तो लोगों को पता था आगे एनफील्ड वाला उठ गया सुबह सुबह, तो ये कमाल है, मतलब देख लो तब से अब तक कितना क्रेज है, कमाल है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी, और सबसे प्राउड है जी बात सुन के कि भाई मेड इन इंडिया है ये, हमने ब्रिटिशर से खरीद ली और ये अपनी हो गई, और देखो कितनी पॉपुलर, सीधा एक्सपोर्ट करो यूके को, हाँ चाहो यूके में जॉब उनको कहो ये खरीदो इंडिया, मेड इन इंडिया। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।